यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 100 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशंस के डे नंबर 21 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, सर पैसे नहीं है कोचिंग करना इंपॉर्टेंट है क्या, कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होगा क्या? तो सिंपल आंसर है कि भैया देखो, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका कोचिंग के बिना सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छी रैंक हो चुका है। बस फर्क इतना है कि कोचिंग एक्चुअली क्या मलाई देती है आपको। मलाई का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो और आपको कम खाकर अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो तो आप मलाई खा लो, ठीक है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध भी पी लो, दूध से भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे न्यूट्रिएंट्स और कम खाते न्यूट्रिएंट्स आपको मलाई नहीं मिलेंगे। वैसे ही कोचिंग का हिसाब है। कोचिंग के अंदर टीचर्स है वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपको ज्यादा कंटेंट कम टाइम में कवर करवा देंगे, इफेक्टिवली कवर करवा देंगे। उसके बाद टेस्ट होंगे और आपको पता चल जाएगा भाई अपनी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। और क्या कोचिंग लेना मैंडेटरी है, तो उसका आंसर अभी मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आप इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आपके पास किताबें हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट के अंदर जब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन कोचिंग से थोड़ा फायदा बस ये हो जाता है कि कम समय में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब बात आती है सर, अगर मान लो सेल्फ स्टडी करनी है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो अगले वीडियो में बात करूंगा। भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो रहना जाए।